मैक्सवेल ने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो चीजें बताई। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करके, मतलब हमने जो बॉडी की, अगर हमने देखा था अभी आरएमएस वेलोसिटी आई थी रूट अंडर 3p बाय रो कहा जा सकता है, या रूट अंडर 3rt बाय मॉलिक्यूलर वेट mw, या रूट अंडर 3kt बाय स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैक्सवेल ने ये कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड वो नहीं आएंगे, जैसे अगर एवरेज अगर क्लास का 30 आता है, इसका मतलब सबके मार्क्स तो 30 नहीं होते, मार्क्स 0 से लेके 100 तक वेरी करते हैं। उसी तरह से मैक्सवेल ने कहा कि सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड आरएमएस वेलोसिटी या एमपीएस वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है, किसी रूम टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर पे होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और लाई करेगी बिटवीन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड 0 होगी, और ऐसे भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड इन्फिनिटी होगी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे। जैसे क्लास में एक दो ही टॉपर होते हैं और एक दो ही फ्लॉपर होते हैं जो नीचे से टॉप करते हैं, मैक्सिमम एवरेज बच्चे आपके इसी में लाई करेंगे। तो यहाँ पे उसने ग्राफ बनाने का बात किया, ग्राफ था वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में रखा, और यहाँ पे जो रखा है वो रखा है उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन स्पीड इंटरवल वी पर यूनिट स्पीड इंटरवल वी करके। जैसे हम बोले 20 से 22 मीटर पर सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 22 मीटर पर सेकेंड, तो इस छोटे से स्पीड इंटरवल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे वो ये रहे डी बाई डी वी ऑफ एन वी। एन वी मतलब जैसे यहाँ पे स्पीड इंटरवल क्या हो गया आपका, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वो गैप हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। तो छोटे से गैप में किसी टेम्परेचर टी केल्विन पे, ना लेट्स से टी केल्विन पे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां बोलूं ये 20 ये 22, तो ये छोटा सा जो गैप हो गया, ये गैप हो गया मेरा डीवी। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया अगर बात किया जाए तो छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ हो गया डीवी और लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, दैट इज मेरा बन गया डी बाई डी वी ऑफ, ये बन के आ गया एन वी करके। अब क्या किया जाए, ऐसे अगर छोटे छोटे अगर हम क्या करें एरियाज को इंटीग्रेट करें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड कौन सी एक्सिस मिल जाएगा, एक्स एक्सिस मिलेगा, वेलोसिटी एक्सिस मिलेगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ डीवी से डीवी कैंसिल हुआ, ये बन के आया डी ऑफ एन, ना इंटीग्रेशन डी कटा विच इज इक्वल टू एन, इसे मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में, उस गैस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मुझे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड, है ना, ज़्यादा भी होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, हम बोल सकते हैं इस स्पीड में आएंगे, मतलब इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो एरिया निकाला जाएगा वो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है इस स्पीड इंटरवल में मैक्सिमम होगा, मतलब ये स्पीड हमारी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के जो, है ना, स्पीड होगी वो इस वाली स्पीड कहलाएगी जो हमने निकाला था आपका रूट अंडर 2rt बाय mw, रूट अंडर 2kt बाय m करके, या रूट अंडर 2p बाय रो करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो पीक आया है, ये पीक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे क्या है, मैक्सिमम है एट दिस गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं पूछता हूँ क्या इस, है ना, लाइन के अबाउट, इस, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अबाउट क्या ग्राफ सिमेट्रिकल है, तो हम यहाँ बोलेंगे ग्राफ असिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड 0 होगी,
पर राइट साइड में ये कहीं कट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी को जाके अप्रोच करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड लाइट से ज़्यादा हो जाएगी, है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ना ये 10-20 है तो यहाँ पे बहुत है ना, मतलब 500 मीटर पर सेकेंड वो 10-20 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। तो सपोज़ कीजिए ये हम स्पीड निकाले हैं एट 100 केल्विन और ये स्पीड निकल के आई है सपोज मेरी 20 मीटर पर सेकेंड करके। अब किसी टेम्परेचर पे ये लेट्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल जब एरिया आप निकालते हैं इसका एक्स एक्सिस के साथ, तो वेलोसिटी एक्सिस के साथ ये टोटल एरिया मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा एट दिस टेम्परेचर टी केल्विन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे आपके स्पीड बढ़ रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की तरफ, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो गए, वो स्पीड आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। फिर अगर मैं और स्पीड अगर बढ़ाऊँ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे घटते जाएंगे और एकदम हाई स्पीड के करिस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके है ना नेग्लिजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर हमने देखा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है लेट्स से वो है मेरा रूट अंडर 2RT डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना किसी एक गैस मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर होगी। अब लेट्स से मैं टेम्परेचर को 4 times कर देता हूँ, 100 केल्विन से मैंने 4 times कर दिया, मतलब 400 केल्विन कर दिया, तो मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी रूट अंडर 4 इज 2 times हो गए, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड करके। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक कंटेनर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होने वाले, वो तो आपके फिक्स्ड ही रहेंगे, आप चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तो आपके कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम देखते हैं अगर ये एरिया मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं लेट से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा भी दूँ तो मेरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ेगा, मतलब एरिया सेम रहना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं है ना जैसे एक ट्राइंगल जैसा होता, तो ये इसका बेस दिख रहा है, ये हाइट है। अब अगर बेस बढ़ गया तो हाइट को क्या होना होगा, कम होना होगा, तो हाइट को कम होना होगा ताकि क्या कहा जा सकता है, ताकि आपका एरिया सेम बना रहे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो पीक होगा, ये पीक है ना जो है ये मेरा क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे की तरफ आ जाएगी अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर देता हूँ 400 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर 4 times किया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी डबल हो जाएगी, सच दैट टोटल एरिया हमारा सेम बना रहे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके क्या रहे, सेम रहे। उसको आप ऐसे देख सकते हो, बेस बढ़ा तो हाइट को घटना होगा। अब इसको ऐसे समझिए, पहले यहां पे लेट से 1000 मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से लेट से अब 200 ही मॉलिक्यूल्स बचे जिनकी स्पीड इस 20 मीटर पर सेकेंड में आई, अब 800 मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी और जो पहले लेट से 300 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 4 है ना 40 थी, अब लेट से 700 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है ना 40 हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे, पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे चेंज नहीं होंगे, ग्राफ वैसा ही स्टार्टिंग होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो मेरा ये ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा एरिया सेम रखते हुए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम रहना है। तो ये मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसने स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था उसको हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, ये प्लॉट है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड इंटरवल पर यूनिट स्पीड इंटरवल वर्सेस वेलोसिटी एक्सिस। तो यहाँ बोल रहे हैं इट इज अ प्लॉट ऑफ DV ऑफ NV और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल अगेंस्ट वेलोसिटी।
तो x एक्सिस में वेलोसिटी होगा. नेक्स्ट बोला गया है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी. मतलब यहां पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम जीरो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफिनिटी होगा. नेक्स्ट बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज असिमेट्रिकल अबाउट इट्स पीक वी एमपीएस. इस एमपीएस वेलोसिटी के अबाउट ये असिमेट्रिकल कर्व है. क्यों? बिकॉज लोएस्ट पॉसिबल स्पीड इज जीरो. लोएस्ट पॉसिबल स्पीड जीरो मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा. वेयर एज देयर इज नो लिमिट टू अपर स्पीड मॉलिक्यूल्स कैन अटेन. पर जो हाईएस्ट स्पीड है मॉलिक्यूल जो अटेन कर सकता है उसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है. अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर देता तो ये सिमेट्रिकल होता, पर अभी कट नहीं कर रहा है देयरफॉर असिमेट्रिकल कर्व है. नेक्स्ट है सो एवरेज स्पीड इज स्लाइटली लार्जर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. हमने एवरेज स्पीड निकाला था आपका रूट अंडर 8 बाई पाई और आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था रूट अंडर 2 करके. तो यहां हमने बोलते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या होता है टोटल मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उनका एवरेज लेना होता है. तो यहां इंफिनिटी स्पीड जा रही है जिसके वजह से एवरेज स्पीड जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होगी. तो ये इस कर्व से भी देखा गया. नेक्स्ट बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड लाइंग विद इन अ स्मॉल रेंज सेंटर्ड अबाउट द स्पीड करेस्पॉन्डिंग पीक ऑफ द कर्व. दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मतलब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है, तो उस स्पीड को आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी एमपीएस करके इस कर्व में दिखा रहे हैं, जिसके अबाउट इस पीक का मैक्सिमम आ रहा है, पीक आ रहा है इस कर्व का. और हम यहां बोल सकते हैं इसका स्लोप इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा जीरो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. मेरा इस पीक पे जीरो हो जाएगा एट वी एमपीएस. नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व एंड वेलोसिटी एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहां बोल रहे हैं ये जो टोटल एरिया होगा अंडर द कर्व एंड वेलोसिटी एक्सिस वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट दिस टेम्परेचर टी केल्विन. नेक्स्ट है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी एमपीएस एंड मैक्सिमम मॉलिक्यूल वेलोसिटी बोथ इंक्रीजेस. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सपोज ये T1 केल्विन है और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने क्या देखा था, ये पीक नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये वी एमपीएस आगे चला जाएगा. मतलब अगर टेम्परेचर T2 T1 से बढ़ेगा तो ये वी एमपीएस बढ़ेगा जिसकी वजह से पीक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पीक की हाइट कम हो जाएगी. तो यहां बोला है इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी एमपीएस शिफ्ट हुआ एंड मैक्सिमम मॉलिक्यूल वेलोसिटी बोथ इंक्रीजेस. और जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन सर्टेन वेलोसिटी रेंज इज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सर्टेन वेलोसिटी रेंज में हमेशा क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे. ऑल्दो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस कंटिन्यूअसली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मतलब इस लेट से इस टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी रेंज में ये आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन सर्टेन वेलोसिटी रेंज मतलब 20 से 22 मीटर पर सेकेंड में ये जो एरिया है ये इस टेम्परेचर पे हमारा कॉन्स्टेंट है. Although velocity of molecule changes at particular temperature, जबकि इस temperature T1 पे ये है ना molecule की velocity change होए जा रही है zero से लेके infinity तक के लिए. तो ये है students मेरा Maxwell's distribution curve के बारे में discussion. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप screen degree of freedom नाम से समझ आ रहा है. degree मतलब extent, freedom मतलब आजादी. तो कोई molecule कितनी आजादी से अपनी energy जो उसके पास एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी हमने 3/2 kT. तो वो एक मॉलिक्यूल अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कितने तरीके से पोजेस कर सकता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे हमने लिखा है सेकेंड पॉइंट पहले इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल और एटम कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी. मतलब कितने इंडिपेंडेंट वेज से एक मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी. जैसे हमने देखा था कि मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल के पास जो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है
वो थी 3/2 kT. तो ये जो एनर्जी थी ये आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी. तो ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से मैं बोल सकता हूँ के टी, वो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, है ना, वो आपकी वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, और वो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है. तो मतलब हम बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो उसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसलेशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को आइदर ट्रांसलेशन फॉर्म में, है ना, पोजेस कर सकता है, जब या तो वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो, ट्रांसलेट कर रहा हो किसी एक्सिस में, या वो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में पोजेस करे, रोटेशनल, है ना, फॉर्म में पोजेस करे. तो अगर मैं रोटेशनल की बात करूं तो मैक्सिमम ट्रांसलेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन के मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे 3. उसी तरह से आते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की. तो रोटेशन में हमने देखा था मास की जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो गया हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह से हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर करते हुए. मतलब बॉडी अपना या मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रोटेशनल के फॉर्म में भी 3 मैक्सिमम वे से पोजेस कर सकता है. तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हो जाएंगे. उसी तरह से तीसरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन जो SHM में देखा करते थे, या तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे. मतलब यहाँ वाइब्रेशनल, है ना, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है वो आइदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाए या इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए. तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना. जैसे SHM में हम बोलते थे कि बॉडी के पास, है ना, जब लेट से कोई स्ट्रेचिंग होगा तो उस पोजीशन के चलते उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ वेलोसिटी होने के चलते उसके साथ साथ कुछ वाइब्रेशनल, ना, जो काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं मेरे 2. तो हम बोले ट्रांसलेशन के मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं 3. उसी तरह से रोटेशन के भी मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं 3, पर वाइब्रेशन के मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 ही हो सकते हैं, आइदर पोटेंशियल एनर्जी करके या फिर काइनेटिक एनर्जी करके. तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच मस्ट बी नोन टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजिशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ डायनामिकल सिस्टम. डायनामिकल मतलब अगर उसके पास कुछ एनर्जी है तो वो मोशन में होगा, डायनामिक्स में होगा. तो उसकी, है ना, एनर्जी को, है ना, स्पेसिफाई करने के लिए, डायनामिक्स को स्पेसिफाई करने के लिए टोटल कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, उसी को आप नाम दिए हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सिंपल टर्म्स में बोलूं तो वो अपनी एनर्जी को कितने इंडिपेंडेंट वेज में पोजेस कर सकता है. तो जैसे हमने देखा ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन के फॉर्म में पोजेस कर सकता है, वही उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन के तो हो जाएंगे आपके मैक्सिमम 3, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग. रोटेशन के करिस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम हो जाएंगे 3, ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग. वाइब्रेशन के मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे आपके 2. अब हम ये 3 केसेस लेके आने वाले हैं, दैट इज मोनोएटमिक, है ना. ये 3 टाइप के आपके नेचर हो सकते हैं गैस के. एक मोनोएटमिक, मोनोएटमिक मतलब इनर्ट गैसेस, सिंगल एटम जिसमें हो उसके हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो मोनोएटमिक जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एटसेट्रा. नेक्स्ट आते हैं डायएटमिक और लीनियर पॉलीएटमिक. 2 एटम हो या 3 एटम हो, 4 एटम हो, पर एक लीनियर स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आपके लीनियर, है ना, और डायएटमिक हो गए. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, sp2 hybridized, लीनियर स्ट्रक्चर. SO2 लोन पेयर होंगे तो वो भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा. नेक्स्ट है नॉन लीनियर पॉलीएटमिक. नॉन लीनियर पॉलीएटमिक जैसे NH3, है ना. नेक्स्ट है CH4, टेट्राहेड्रल, H2O, बेंड स्ट्रक्चर. तो ये सब नॉन लीनियर हो गए. अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जब पॉलीएटमिक में आऊँ तो उस टाइम पे मैं लो और हाई टेम्परेचर के लिए बात करूँगा, ना. मोनोएटमिक में कोई लो और हाई टेम्परेचर नहीं बोला जाएगा, बस हम लो और हाई टेम्परेचर किसके लिए बोलेंगे, एट, ना, पॉलीएटमिक. तो हम क्या बोलते हैं, ये जो वाइब्रेशनल के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिवेट होते हैं ओनली एट हाई टेम्परेचर.
ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये दोनों वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिवेटेड ओनली एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके डीएक्टिवेटेड होंगे, मतलब इनका कोई रोल नहीं होगा। तो एट लो टेम्परेचर आप बोल सकते हो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों केस में कितने हो जाएंगे, जीरो। पर जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो यहां पे आपका दोनों वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट इज दोनों में 2-2 आ जाएगा। अब आते हैं बात करने मोनोएटॉमिक का, लेट्स से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सोचिए एक सिंगल एटम है, तो एक सिंगल एटम या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, या जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो तीन थे वो तीनों के तीनों इसने पोजेस कर लिए। अब एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, तो हम बात करें कि एक सिंगल एटम के अबाउट रोटेशन तो हो नहीं सकता, तो रोटेशन जीरो, और उसी तरह से एक सिंगल एटम अपना SHM नहीं कर सकता, तो वाइब्रेशन भी जीरो हो गया, चाहे हाई टेम्परेचर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं मोनोएटॉमिक के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने होते हैं तीन। उसी तरह से आते हैं डायएटमिक या लीनियर पॉलीएटमिक। तो अगर दो एटम हो, सपोज ये दो एटम है, तो ये दोनों एटम या तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट करें, या वाई एक्सिस के अलोंग, या जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चाहे लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो तीन ही होंगे। अब मैं बात करूं, अगर सपोज कीजिए आपके रोटेशन की बात की जाए, दो एटम्स हैं, तो सपोज ये दो एटम्स हैं, तो इस केस में दो एटम्स के केस में आपके टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो जैसे ये लाइन देख रहे हैं, एक तरीका हो सकता है जिसमें ये दोनों क्या हो, सेम सेंस में रोटेट करें, और एक तरीका हो सकता है जिसमें ये दोनों क्या करें, अपोजिट सेंस में रोटेट करें। तो डायएटमिक के केस में आपके टोटल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के तीन में से दो ही ना रोल में आएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस केस में ना आपका लो टेम्परेचर में तो ये 5 हो जाता है, और हाई टेम्परेचर में यही चीज आपकी हो जाती है 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर नॉन लीनियर पॉलीएटमिक हो जाए, तो सपोज कीजिए ये तीन एटम्स हैं ना, सपोज कीजिए ये तीन एटम्स हैं, तो तीनों एटम्स आइदर एक्स एक्सिस जा सकते हैं, या वाई एक्सिस जा सकते हैं, या जेड एक्सिस जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहें लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, आपका ट्रांसलेशन तो सभी केस में 3 आना है, पर अगर मैं रोटेशन के टर्म्स में बोलूं तो रोटेशन तीन एटम्स के लिए बोला गया, तो या तो इसके अबाउट रोटेट करे, या नीचे के अबाउट रोटेट करे, या इसके अबाउट रोटेट करे। तो रोटेशन के तीन ही आपके पॉलीएटमिक में ना तीन एटम्स में होगा, तो तीनों के तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ 3 और 3 निकल के आया मेरा 6, और यहाँ पे आया 3, 3, 2 करके ये चीज आया मेरा 8। तो हम कह सकते हैं कि आपका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ रहे हैं। तो ये है मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिस्कशन क्लास। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक तो मैक्सवेल ने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था उसमें उसने स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी तरह से मैक्सवेल ने जो पार्टिकल के पास, मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के पास जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टीशन किया, इक्विपार्टीशन है ना, इसीलिए नाम है इक्विपार्टीशन, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो उस लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, जैसे आपने पढ़ा था जो एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है 3/2 kT, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 3/2 kT होती है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के करिस्पॉन्डिंग हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़े थे 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस। मतलब आप बोल सकते हो एक एक्सिस के अलोंग, दैट इज एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग आपका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल दिया जाए तो कितना होगा, 1/2 kT। अब हमने पढ़ा था कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन ना तीनों के करिस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, f into 1/2 kT, which is equal to 1/2 fkt।
तो लेट्स से अगर मुझसे बोला जाए कोई है ना नॉन लीनियर पॉलीएटमिक है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर हमने देखा था तीन ट्रांसलेशन, तीन रोटेशन और दो वाइब्रेशन, तो टोटल कितने हो गए हमारे 8। तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 8/2 kT विच इज 4 kT करते हुए। तो यार उसने मैक्सवेल ने बस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कराया अमंगस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना, मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के अलोंग हर एक के लिए बराबर बराबर उसने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लिखा है एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT। जैसे यहाँ देखा हमने हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी, वो आपकी 1/2 kT है। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल इज एफ, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज 1/2 fkt। तो अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो जाए तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन तीनों फॉर्म में हो सकती है, तो हो जाएगी अपनी 1/2 fkt करते हुए। तो ये है स्टूडेंट्स मेरा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ने से पहले इंटरनल एनर्जी करके, तो अगर आपने किसी गैस को कन्फाइन करके रखा है एक है ना सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर, जिसका कुछ प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा, तो उस गैस का उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मतलब जो एनर्जी उसने पोजेस करके रखा हुआ है वो किसके कारण होगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण, उसके है ना कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट के कारण, और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण, क्योंकि कुछ टेम्परेचर होगा तो अभी हमने देखा था कुछ आरएमएस वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक गैस के इंटरनल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, जो एनर्जी उसने है ना पोजेस करके रखी है उस कंटेनर के अंदर, जो गैस मॉलिक्यूल है उस गैस की इंटरनल एनर्जी सिंपली कहलाती है फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और अभी ये देखा था काइनेटिक एनर्जी मतलब जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी है फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट, मतलब हम बोल सकते हैं उसके है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में बोले तो। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। पर जब हमने अजम्पशंस है ना बेसिक अजम्पशंस इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने बोला था, अज्यूम किया था कुछ बेसिक अजम्पशंस में कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना आइडियल गैस के लिए, जब आप रियल गैस इक्वेशन से आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं तो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, और ग्रेविटी के कारण जो फोर्स है उसको भी आप नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है जो इंटरमोलिकुलर हो सकता था या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता था जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आती, वो फोर्स ही नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो अपना कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि आइडियल गैस में हम कोई भी फोर्स नहीं ले रहे, और फोर्स आएगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगा। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस किया गया है कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पे F=-dU/dr करके डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और हमने अभी देखा था एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी इक्विपार्टीशन ऑफ ना इक्विपार्टीशन लॉ से, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से, इसको हमने देखा था एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग थी 1/2 kT। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 kT, और अगर सिमिलरली मोल के लिए बोलूँ तो एक मोल के लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी निकाली गई थी लेट से के की जगह आर आ जाएगा, तो हमारा आया था 3/2 RT, और अगर हम एक मोल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो 1/2 RT, और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 RT हो जाएगा। तो यही चीज एन मोल्स के लिए आपका हो जाएगा N×F/2 RT करते हुए। तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाता है आपका NFR/2×T, और इस FR/2 को हम आगे जाके इसको CV करके ना पढ़ेंगे, तो NCV∆T करके। और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे जो
इंटरनल एनर्जी भी हमने निकालना चाहते हैं, उसका चेंज निकालना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो मेरा निकल के आएगा तो ये आएगा एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो अब से हम ये यू मतलब आपका इंटरनल एनर्जी का सिंबल है, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो मेरा एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी, और इस एफ आर बाई टू को मैं आगे जाके सी वी करके इंट्रोड्यूस करूंगा, है ना, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करके। अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो सिंपली आपका उसका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। जो इंटरनल एनर्जी है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कहा गया है। नेक्स्ट है इट इज द फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट्स वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी हमने दिखाया फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है रियल गैस के लिए। पर अगर मैं बोल दूं आइडियल गैस तो उस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो फैक्टर है वो तो जीरो हो जाएगा। तो सो ओनली फॉर आइडियल गैस, और ये पूरा चीज हम आइडियल गैस के लिए पढ़ने जा रहे हैं जो भी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज जीरो। तो जो भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो जीरो हो जाएगा। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो जीरो हो गया, और इंटरनल एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड कर गया पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पे। हेंस इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया विच डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर यहाँ जब आप रखेंगे तो केल्विन में रखेंगे, तो ऑफ द गैस दैट इज यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी है वो हमारा टेम्परेचर का फंक्शन आया। फॉर आइडियल गैस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता पर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी, और क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना चाहते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी करके आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है मेरा इंटरनल एनर्जी पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री सेल्सियस इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.5% फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉट इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ हमें दिख रहा है प्रेशर जो है वो 5% से कम बढ़ा है, तो हम एरर एनालिसिस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डैट इज पी वी इज इक्वल टू, अगर मैं एन आर टी बोलूँ, अब यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डैट इज पी इज इक्वल टू बन क्या आया एन आर बाई वी इन टू टी। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट तो खत्म हो गया, ये आया डेल्टा टी बाई टी। अब यहाँ बोला है कि आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितने से बढ़ाया 5 डिग्री सेल्सियस से, और ये आपका जो है इनिशियल टेम्परेचर हो गया, तो टी नॉट जो यहाँ मुझसे पूछा गया है इनिशियल टेम्परेचर गैस का कितना था ये बताना है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री सेल्सियस परसेंटेज है ना, जो प्रेशर बढ़ेगा वो है 0.5%। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज 0.5%, मतलब नीचे आ गया 100, ये आपका जो टी नॉट निकल के आएगा, ये टी नॉट आएगा ये 10 से कटा 10 इंटू 100 1000, और ये हम जानते हैं सारा कुछ ऐसा यूनिट में आने वाला है दैट इज 1000 केल्विन करते हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट एचटीपी। एचटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एक होता है मेरा एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एचटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर करके ना, और फिर मेरा आता है टेम्परेचर प्रेशर करके, फिर आता है मेरा एनटीपी, एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो यहाँ पे हम इसका है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जो आपको याद करना है, क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम बात करें एचटीपी और एनटीपी के केस में प्रेशर ना, फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम तो दोनों केस में एचटीपी एनटीपी में ये भी 1 atm, ये भी 1 atm है ना, ये होता है आपका 22.4 liter और ये भी होता है आपका 22.4 liter। पर टेम्परेचर की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में ये होता है 0 degree Celsius और ये होता है मेरा 0.01 degree Celsius। अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करने जाए तो 273.15 ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स केल्विन, और इससे भी केल्विन में कन्वर्ट करने जाइए तो ये हो गया 273.16 केल्विन करते हुए। अब आइए हम बात करते हैं एचटीपी में, लेट्स से हमें गैस कॉन्स्टेंट निकालना है, तो गैस कॉन्स्टेंट निकालना है तो इसको हमने एसआई यूनिट में बदल दिया है। अब 1 atm, 1 atm है ना, ये सब इसका एसआई यूनिट लिखिए क्योंकि हमें गैस कॉन्स्टेंट एसआई यूनिट में निकालना चाहते हैं। तो टेम्परेचर एसआई यूनिट में आपका 273.16 केल्विन, फिर प्रेशर आपका 1 atm, पर 1 atm SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट पास्कल होता है, दैट इज 1.01325 × 10⁵ पास्कल, मैं आफ्टर 2 decimal तक वैल्यू यूज़ करता हूँ। फिर आते हैं 22.4 liter। अब ये 22.4 जो लीटर है मेरा, इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्जन के कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, दैट इज़ 1 cubic centimeter इज इक्वल टू 1 milliliter, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसको मीटर में ले जाना है मुझे, तो दिस इज 10⁻², मीटर का होल क्यूब, क्योंकि 1 centimeter इज 1/100 meter और 1 milliliter इज 10⁻³ liter, दिस इज 10⁻⁶ cubic meter इज इक्वल टू 10⁻³ liter। तो 1 liter मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू 10⁻³ cubic meter। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, दिस इज 22.4 × 10⁻³ cubic meter करके आ गया। तो ये सब मैंने वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट निकाल लिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, आर निकालना है, तो आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ PV/NT। अब प्रेशर मेरा आपका है 1.01 × 10⁵ पास्कल, फिर वॉल्यूम है मेरा ये रहा, दैट इज 22.4 × 10⁻³, फिर डिवाइडेड बाय मोस तो 1 है, कुछ नहीं बोला, और टेम्परेचर मेरा है 273.16 आपका केल्विन निकल के आएगा। चलिए ये सब ऐसा ही में रख दिया, ये निकालते हैं तो ये निकल के आता है लगभग 8.314। ऐसा यूनिट अगर बोलूं तो प्रेशर इनटू वोल्ट, वॉल्यूम हो जाता है जूल, और नीचे आएगा मेरा मोल पर केल्विन करके, ये हमने एसआई यूनिट में निकाला। अगर मैं इसी को ना सपोज एटमॉस्फेयर लीटर में ले जाता तो दिस इज 0.0821 और ये निकल के आता मेरा ना इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं यही गैस कॉन्स्टेंट अगर इसको एटमॉस्फेयर लेता है ना, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखता, वॉल्यूम को लीटर में रखता, और नीचे आता मोल और फिर यहाँ आता केल्विन, तो ये मेरा हो गया 8.314, 0.0821। अगर ना अभी तो आपने एनर्जी को किस में लिया है, जूल में, अगर सपोज कीजिए, क्योंकि यहाँ पूरा जो हम आगे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे उस पूरे थर्मोडाइनमिक्स में हम एनर्जी का एसआई यूनिट जो लेंगे वो कैलोरी लिया जाएगा, तो उस केस में ये वैल्यू निकल के आएगी 2 calorie per mole per kelvin करके। अगर है ना ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू मैंने ये 3 values निकाल के दिया आपको, अगर ये आप जूल में वैल्यू निकालते हैं तो ये 8.314 एसआई यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जो आप थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ करेंगे, अगर ये प्रेशर वॉल्यूम का अगर कैलरी में निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 2 calorie per mole kelvin, और अगर आप इसको एटमॉस्फेयर लीटर में यूज़ करते हैं तो दिस इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन करते हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट